बिना सेटअप बॉक्स देख सकेंगे फ्री टीवी चैनल। आने वाले दिनों में लोग अपने टीवी पर बिना सेटअप बॉक्स फ्री टू एयर टीवी चैनल और रेडियो चैनल का लुत्फ उठा सकेंगे। दरअसल सोमवार को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने डिजिटल टेलीविज़न रिसीवर USB टाइप सी चार्जर और वीडियो सर्विस लांच सिस्टम यानी DSS के लिए एक नए मानक जारी किए। उपभोक्ता मंत्रालय ने बताया कि पहला मानक सैटेलाइट ट्यूनर वाले डिजिटल टेलीविज़न रिसीवर के लिए IS 18112 2022 जारी किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस मानक के अनुसार बनाए गए टीवी केवल किसी उचित स्थान, किसी भवन की छत या दीवार के किनारे LNB युक्त डिस एंटीना से फ्री टू एयर टेलीविज़न और रेडियो चैनल प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यानी इन टीवी में फ्री टू एयर टीवी और रेडियो चैनल का लुत्फ उठाने के लिए सेटअप बॉक्स की आवश्यकता नहीं होगी। अभी टेलीविज़न पर विभिन्न पेड और फ्री चैनल देखने के लिए सेटअप बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है। दूरदर्शन की ओर से प्रसारित फ्री टू एयर चैनलों के लिए भी सेटअप बॉक्स खरीदना पड़ता है। मंत्रालय के अनुसार दूरदर्शन चरणबद्ध तरीके से एनालॉग प्रसारण को बंद कर रहा है, लेकिन डिजिटल उपग्रह प्रसारण का उपयोग करते हुए फ्री टू एयर चैनलों का प्रसारण जारी रखेगा। सेटअप बॉक्स के उपयोग के बिना ही इन फ्री टू एयर चैनलों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर के साथ टेलीविज़न रिसीवर की ज़रूरत पड़ती है। इससे सरकारी पहलों, योजनाओं और दूरदर्शन की शैक्षिक सामग्री तथा भारतीय संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों के प्रसारण में मदद मिलेगी और इनमें पूरे देश में बड़े पैमाने पर लोगों तक जारी कट जानकारी पहुंच सकेगी। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए नहीं खरीदना होगा अलग अलग चार्जर। USB टाइप सी रिसेप्टिकल्स, प्लग और केबल के लिए मानक IS और IEC 62680-13-2022 जारी किया गया है। इसके तहत मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, नोटबुक जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए USB टाइप सी पोर्ट, प्लग और केबल उपलब्ध कराना होगा। इस कदम से प्रति उपभोक्ता चार्जर की संख्या कम करने में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं को हर बार नए चार्जर खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही ई कचरा को कम करने और सतत विकास की ओर आगे बढ़ने के सरकार के मिशन को हासिल करने में मदद मिलेगी। अभी विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के ये अलग अलग चार्जर रखना पड़ता है। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त खर्च के अलावा ई कचरे में बढ़ोतरी होती है। तो ऐसे ही वीडियो और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।